हेलो एवरीवन, बाल विकास फॉर ऑल एग्जाम सीरीज में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को। बाल विकास की सीरीज के माध्यम से किसी भी एग्जाम में जो बाल विकास का सेक्शन है उसमें मेरे लेक्चर से बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। लेक्चर पूरा देखो, नोट्स बनाओ, पूरा पेपर तुम्हारा फंस जाएगा। ओके, नोट्स चाहिए हो उत्कर्ष एजुकेशन से ले लेना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे मुझे सपोर्ट मिल सके, क्योंकि अभी और अच्छा सेटअप चाहिए है, उसके लिए पैसे की जुगाड़ भी करनी है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब आओ बिना टाइम बर्बाद के पढ़ना शुरू करते हैं बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत को दिया है थार्नडाइक ने। किसने दिया है? थार्नडाइक ने। यह सिद्धांत अमान्य है। ये दो चीजें दिमाग में पहली रख लो। स्पीयरमैन के सिद्धांत जो पिछले लेक्चर में बताए थे उनका खंडन करने के लिए थार्नडाइक ने यह सिद्धांत दिया और इनका भी खंडन बाद में हो गया। इसका दूसरा नाम है असत्तात्मक सिद्धांत। असत्तात्मक सिद्धांत। इनके अनुसार बुद्धि के तीन भाग हैं, सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत सामाजिक अनुकूलन की उपयोगिता कि समाज की स्थिति के हिसाब से तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, क्या तुम्हें समाज की किसी स्थिति को देख के समझ में आता है कि मुझे यहाँ ये बोलना है, मुझे यहाँ ये करना है, मुझे यहाँ ये नहीं बोलना है, मुझे यहाँ ये नहीं करना है। ये सब सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। और जिन लोगों की सामाजिक बुद्धि अच्छी होती है वो समाज सेवी, नेता, प्रशासक, मैनेजमेंट में, ये सब में अच्छे होते हैं सामाजिक बुद्धि वाले। यांत्रिक बुद्धि वाले वो होते हैं जो किसी भी चीज की मैकेनिज्म, कार्य प्रणाली को समझने के लिए उत्सुक रहते हैं, चाहे वो किसी मशीन की हो, शरीर की हो, या किसी भी नेचुरल चीज की हो कि धरती घूमती कैसे है सूर्य के चारों ओर, या फिर मैं इस तरह से चल कैसे रहा हूं, या फिर ये कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है। ये सारी ही जो मैकेनिज्म वाली चीजें समझने की व्यवस्था है वो यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत आती है। जिनकी ये अच्छी होती है वो आर्किटेक्ट अच्छे बनते हैं, इंजीनियर अच्छे बनते हैं, साइंटिस्ट अच्छे बनते हैं, रिसर्चर अच्छे बनते हैं, और टेक्नीशियन भी अच्छे वही बनते हैं। अब आई अमूर्त बुद्धि। केवल विचारों के माध्यम से किसी चीज पे चर्चा करना, जो सामने ना हो उसके बारे में कल्पना करना, जो कहीं और हो सामने ना हो उसके बारे में कल्पना करना, जो कहीं ना हो उसके बारे में अपने मन से कल्पना करना, ये सब अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। इस तरह की बुद्धि वाले लोग अच्छे अभिनेता, कलाकार, पेंटर, राइटर, सिंगर, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। फिलोसोफर भी अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जो बोला है लिख लेना, बार बार सुनना, नोट सुना लेना, चाहिए हो टेलीग्राम से ले लेना। ओके, ये तो तीन प्रकार है। अब इन सभी में ये चार चीजें जाएंगी। अब इन सब में ये चार चीजें आनी है, बुद्धि की जो चार विशेषताएं हैं, स्तर, श्रेणी, क्षेत्र और गति। स्तर क्या होता है कि किस स्तर की बात हो रही है। सामाजिक बुद्धि का स्तर, मैं क्लास में बोल रहा हूं या सेमिनार में बोल रहा हूं। श्रेणी, किस श्रेणी की बात हो रही है। श्रेणी में दो चीजें आती हैं, एक मिनट में देख लूं जरा। हाँ सही है, श्रेणी के अंतर्गत बांटनी होती हैं चीजें। जैसे सामाजिक बुद्धि में श्रेणी आ जाएगा तो मैं क्लास के बच्चों से जो बाल विकास पढ़ना चाहते हैं उनसे बाल विकास की बात करूंगा, जो मैथ पढ़ने आए हैं उनसे मैथ की बात करूंगा, एक दूसरे को मिक्स नहीं करने वाला। तो इस तरह से बांटा जाता है। क्षेत्र, बाल विकास में सीटेट लेवल का बाल विकास, उसके बाल विकास की पढ़ाई का क्षेत्र सीटेट है या पीजीटी, पीजीटी है, केवीएस है, वो जो श्रेणी, वो जो क्षेत्र है, जो विशेष क्षेत्र अलग अलग है उस पर बात होगी क्षेत्र में। और गति, गति का अर्थ ये नहीं है कितना जल्दी कर लेता है वो, नहीं 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 नहीं, नहीं। गति का अर्थ होता है
कि मैंने जो पढ़ाया सामाजिक बुद्धि का प्रयोग स्थिति के अनुसार, यांत्रिक बुद्धि का प्रयोग समस्या के अनुसार और अमूर्त बुद्धि का प्रयोग विचारों के अनुसार कितना अच्छे से कितना जल्दी हो रहा है। गति में अच्छाई भी जोड़नी है, क्वालिटी जो है गुणवत्ता प्लस गति को इसमें गति माना गया है। गुणवत्ता भी हो और जल्दी से जल्दी भी करना हो उसे हम गति मानते हैं। ये चार क्षेत्र हैं। हार्ड कितनी है, कैटेगरी किस कैटेगरी की है, किस टेस्ट की पढ़ाई है, किस ब्रांच की पढ़ाई है, किस फील्ड की पढ़ाई है और कितनी अच्छी और जल्दी हो रही है, इसे हम बुद्धि की चार विशेषताओं में समझेंगे। ये पूरा चेस जो है वो अमान्य है, लेट मी रिपीट, अमान्य है ये। ओके, इस तरह से थार्नडाइक के इस लेक्चर में बहुकारक सिद्धांत को मैंने एग्जाम से संबंधित, एक एक लेक्चर पे 10-10 घंटे नहीं देने हैं, जो एग्जाम में आना है वो पढ़ाना है, वही आपको पढ़ना भी है। ठीक है, हम एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, तो आपको उसी बुद्धि से पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी। जय हिंद।